रजत दलाल। सोचो गाइस, अगर रजत दलाल ने भी ठगेश भाई को उस जोकर राइडर की तरह रिंग मैच के लिए चैलेंज किया और अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा। हाँ भाई, तेरी ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर ठगेश भाई उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर तो ठगेश भाई आराम से जीत जाएंगे। हाँ, उन्होंने जो बॉडी बनाई है, इतनी अच्छी फिजियो बनाई है, वो क्या बच्चों को अपने हाथों की सवारी देने के लिए बनाई है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बना दूं कि जब ठगेश भाई रैंप वॉक कर रहे थे बॉडी बनाकर, तब ये पता है दलाल क्या कर रहा था, रजत दलाल क्या कर रहा था, एस्ट्रॉइड ठोक रहा था अपने हाथों में। उस टाइम इसका नामो निशान नहीं था यूट्यूब पे। ओ गाइस, लफड़ा किंग रजत दलाल, बिल्कुल सही पहचाना। हाँ, ये वही रजत दलाल है जो मैक्सटन और एल्विस के मैटर में घुसकर क्रेडिट लेके भाग गया था। पोक किया मैक्सटन ने, लड़ाई हुई एल्विस से। यार, उस दिन मुझे पता चला कि रजत दलाल नाम का भी कोई प्राणी इस दुनिया में मौजूद है। गाइज, मुझे सच में नहीं पता था, इनफैक्ट 50-60% ऑडियंस को तो ये भी नहीं पता था कि रजत दलाल कोई चीज है भाई। जिस तरीके से रजत दलाल बीच में घुसकर कंप्रोमाइज करवाते हैं दो लोगों के बीच में, मुझे तो लगता है यार इतना तो एजेंट्स भी नहीं करते। एक मिनट, एजेंट दलाल, यार दोनों का मतलब तो सेम है, ये तो सच में दलाल निकला, ये तो दलाल है। ये क्या हो रहा है, आज से रजत दलाल का नाम रजत दलाल नहीं, रजत एजेंट है। आज के स्कूप वीडियो में पता है मेरे को क्या पता चला है कि रजत दलाल ही रजत एजेंट है। पता है, अभी 10 मिनट पहले जब मैं थंबनेल एडिट कर रहा था इस वीडियो के लिए, तो मैंने गूगल पे सिंपली जाके सर्च किया रजत दलाल, तो पता है मेरे को क्या मिला, सिर्फ यार उसकी शर्टलेस फोटो। कोई ऐसा करता है यार, उसकी एक वो वाली फोटो ढूंढने में मुझे 10 मिनट लगी। हाँ, वो बात अलग है कि इंस्टाग्राम से ले सकता था, मेरा दिमाग तो वहीं पर ख़त्म हो गया, 2-3 लाइन्स तो मैंने उसी घड़ी लिख दिया था। रात भर इस मैटर के चलते मैं सोया नहीं हूँ, पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था यार कि हुआ क्या है असल में, इन सब का जिम्मेदार पता है कौन है, रजत एजेंट, पकड़ो उसे यार पकड़ो। असल एजेंट का काम पता है क्या है, तुम्हारे पैसे लेके भाग जाना, और इस वाले एजेंट का काम पता है क्या है, मैटर के बीच में से क्रेडिट लेके भाग जाना। यार पता है वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया कि अगर बिग बॉस 18 में रजत भाई चले जाते हैं तो क्या होगा, पूरी सुपरस्टार को एक दिन में निकाला था, बस फर्क इतना होगा कि रजत भाई को आधे दिन में ही निकाल दिया जाएगा। यार अगर वो वीडियो डिलीट भी कर देता है ठगेश भाई, तो क्या तेरी गई भी रिस्पेक्ट वापस आ जाएगी। एजेंट भाई मुझे एक बात बता दे, तेरी रिस्पेक्ट क्या वापस आने वाली है वीडियो डिलीट होने से। यार गाइस, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, अब रियलाइज हो रहा है सच में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर देना रजत भाई, हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरे बात आपके सीधे दिल पे जा कर के लगी हो ना, तो उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ही इसीलिए ताकि बातें जाके आपके दिल पे लगे। अगर हमने आज इसे नहीं रोका ना, तो कल का मैं सीन बताने वाला हूँ अभी आपको, कल आपके साथ क्या होने वाला है जानना चाहते हो। मान के चलो कि आपके घर में आपके भाई के साथ आपकी लड़ाई हो रही है, कॉन्ट्रोवर्सी मान के चलो थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है। अब आप अज्यूम करो कि आपके घर के सामने 2-3 फॉर्च्यूनर आके लग जाएं, उनमें से 3-4 गुंडे बदमाश उतरे और उनमें से द अल्टीमेट लफड़ा बॉस आके निकले सामने और बोले, लाइव ऑन कर रहे हैं हम लोग, तुम लोग दोनों एक दूसरे को गले लगाना, ठीक है। आप बोलोगे, भाई ये कौन है, कौन आ गया हमारे घर में, हमने नहीं बुलाया ऐसे। सो यस गाइज, दिस इज फॉर टूडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लो भाई रजत भाई आ रहे उधर से, वीडियो बंद कर यार, लो मेरा सैल्यूट, जाओ वीडियो को फिर से रिवॉच करो, शेयर करो यार, सपोर्ट करो यार, जाओ देखो, सब्सक्राइब करो, बस भाई बस हो गया, लफड़े में मुझे नहीं पड़ना, बंद करो।